एक बहुत ही नायाब और नया तरीका अंग्रेजी पढ़ने का, जिसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे वर्णमाला और स्वर और व्यंजन। जब स्वर और व्यंजन ये दोनों मिलके वर्णमाला बनाते हैं, इनको जोड़ते हो आप तो अक्षर बन जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई भी चार्ट, हम उसमें ए टू जेड पढ़ते हैं, फिर पांच वाउल्स बताते हैं बच्चे को, तो हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैंने एक 42 फोनीम्स का चार्ट बनाया है बच्चों। इसमें देखो आपकी सभी जितने भी अक्षर अंग्रेजी में यूज होने वाले हैं, जितने भी साउंड्स हैं, वो सभी इसी तरह से रखे हैं। जैसे कि वाउल्स जो है वो पांच नहीं है, वो बड़ी आवाज दे के 10 हो जाते हैं, लाइक आ ए ई ओ आ, ए ई आई ओ यू। इसी तरह से अगर हम शब्दों की बात करें तो शब्द जब आप बनाओगे तो आपको इवन पता लगने लग जाएगा कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को कैसे हम एक दूसरे से भिन्न कर सकते हैं, उनमें भेद कर सकते हैं। बहुत आसान है ये मेथड, अगर आप अपनी क्लास में अप्लाई करोगे, क्योंकि ये भारत के किसी भी स्कूल में ये मेथड एज सच नहीं है, ये मैंने ब्रिटेन का मेथड जो है वहाँ पर ये सरकारी स्कूलों में चलाया जाता है, यहाँ वहाँ पर बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से ये काम कर रहा है, लेकिन हमारे भारत में ये प्रोग्राम नहीं है। तो मैंने इसको 8 साल की मेहनत से हर फ्रेम को अपने हाथ से तैयार किया है, और इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि ये हर बच्चे तक पहुंच जाए। जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर मैं बच्चे को सिखाती हूँ पी आई एन, तो आई बोल रहे हैं हम, जबकि बोला जाता है पिन, प ई न, पिन। देखिए पाइन कब बनता है, जब पीछे ई बैठ जाती है आके, पी आई एन ई, अब बना ये पाइन। इस तरह से ये काम करता है, और इसमें 2 सिलेबल्स हैं, 4 अल्फाबेट्स हैं, आप देख लीजिए, बहुत आसान है कि जितने पत्थर हैं उतने अल्फाबेट्स हैं, जितने वाउल्स के पत्थर हैं वो इसमें सिलेबल्स का काम करेंगे। यानी कि एक बहुत आसान तरीके से आप जो स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़ाया जाता है, एमए इंग्लिश में फोनेटिक्स पढ़ी जाती है, वो आप बहुत आसानी से किसी भी छोटी क्लास में 3rd, 4th, 5th, 6th से शुरू कर सकते हैं। नर्सरी से ये हमारे देश में मुजरे हिसाब से शुरू करना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्रिटेन में जो माँ बाप उसको सिखा के भेजते हैं घर से सारा कुछ, टीचर सिर्फ उसकी एक तरह से कह लीजिए कि फिनिशिंग करता है। हमारे तो भारत में बच्चे स्कूल में आके सीखते हैं, पहले तो अंग्रेजी 6वीं कक्षा से शुरू होती थी, लेकिन अगर ए टू जी सीखने के बाद हम किसी भी क्लास में 3rd में 4th में इसको इंट्रोड्यूस करें, तो ये एक बहुत प्रभावी तरीका है कि बच्चे अंग्रेजी भाषा में जो ज्ञान आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते, उनको स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम है, उच्चारण में उनको मुश्किल आती है, तो ये सब मुसीबतें या ये जो सब उनको मुश्किलें पेश आती हैं, बहुत आसानी से इसके साथ हम लोग उनके कष्ट का निवारण हो सकता है। और मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया रहेगा कि अगर हम इसको एक बार फील्ड में ले जाके ट्राई करके देखें कि ये कितना प्रभावी तरीका है, क्या ये वाकई काम करता है। धन्यवाद। फ्रॉम GHS गाजीगुडाना, ड्यूरिंग दिस सेशन मिसेज सुनीता सिंह शी टॉट अस मुहारनी इन अ वेरी इनोवेटिव वे। I personally want to say that I have learnt about the phonetics in my post-graduation, but it was all very monotonous. But when ma'am, she taught us Muharni in a very rhythmic way, it was full of music. And I feel that music is something which children accept the most. So according to me, and according to I feel the other seminarians also, that they all want Muharni to be a part of our curriculum so that we can make our children more efficient regarding the spellings and regarding the pronunciation and they become more confident. Thanks a lot. Main Dolly Pola, Papar sir, Government High School Gaji Gudana to main apne ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਦਮਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ
ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ